Realme X50 Pro और Realme X7 Max Realme की तरफ से लॉन्च किए गए दो ही 5G फ़ोन हैं और ये दोनों ही फ़ोन्स फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स हैं। अगर इन दोनों ही फ़ोन्स की अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो लगभग आपको 30,000 के आसपास नॉर्मल डेज में दोनों ही फ़ोन्स की जो प्राइसिंग है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सेल में ऑफ़र दोनों ही फ़ोन्स में मिलता है तब जाके ये दोनों फ़ोन्स आपको 25,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। अगर सेल नहीं होता है तो नॉर्मल डेज में दोनों ही फ़ोन्स आपको लगभग 30,000 के आसपास मिल जाएंगे। फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स हैं तो दोनों ही फोन्स में चिपसेट भी फ्लैगशिप लेवल का लगाया गया है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी एक अच्छे फोन में देखने को मिलेगी वो फोन कौन सा होगा इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। देखेंगे इस वीडियो में कौन सा फोन में आपको अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट सा देखने को मिल जाएगा किस फोन में, और अगर आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ चाहिए तो कौन सा फोन आपको इस मामले में अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। शुरू करते हैं दोनों ही फोन्स के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से रोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि 2021 में जितने भी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं चाहे वो फ्लैगशिप लेवल के फोन्स हो या फिर मिड रेंज की प्राइस रेंज में आने वाले फ़ोन्स हों, सभी में आपको 5G का सेटअप देखने को मिल रहा है, 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 5G ब्रांड से बात करूं इन दोनों ही फ़ोन्स में Realme X50 Pro और Realme X7 Max में, तो आपको Realme X50 Pro में सिर्फ 4 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं और Realme X7 Max में आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, वो भी इंडिया में। यहाँ पर अगर आप 5G के लिए लेना चाहते हो, 5G आपका पर्पस है, मतलब अगर आप अभी फ़ोन ले रहे हो और अगले 2-3 सालों तक कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहते हो तो 5G अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप इस हिसाब से देखोगे दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बैंड्स आपको मिलते हैं X7 Max में। बाकी अगर मैं दोनों ही फ़ोन्स के लुक्स और डिज़ाइन की बात करूँ तो लुक्स और डिज़ाइन के मामले में डेफिनेटली Realme X50 Pro से अच्छा फ़ोन आपको Realme X7 Max नहीं देखने को मिलेगा। Realme X50 Pro में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जबकि X7 Max में आपको प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको X7 Max देखने को मिल जाएगा, मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी X7 Max में, जबकि X50 Pro का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स की कुछ कमियों की, तो आपको 3.5 mm अगर ऑडियो जैक चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको Realme X7 Max में मिलेगा। Realme X50 Pro में ये चीज़ हटा दी गई थी पिछले साल ही जब ये लॉन्च हुआ था फ़ोन। बाकी अगर आप देखोगे दोनों ही फ़ोन्स में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, डुअल माइक्रोफोन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फ़ोन्स में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन रिफ्रेश रेट की अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा Realme X7 Max में। इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ में आपको 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर डिस्प्ले क्वालिटी के हिसाब से आप कंपेयर करोगे दोनों ही फ़ोन्स को, Realme X50 Pro और Realme X7 Max को, तो डेफिनेटली Realme X7 Max का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स में, तो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको लगभग दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है Realme X50 Pro में, तो इस हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम फ़ोन आपको Realme X50 Pro देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ रैम और रोम की, तो UFS 3.3 की आपको स्टोरेज मिलती है Realme X50 Pro में। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है Realme X50 Pro में, और LPDDR5 का रैम इसमें देखने को मिल जाता है, और Realme X7 Max में आपको 3.1 की स्टोरेज मिलती है और LPDDR5 का भी इसमें आपको रैम मिलता है। रैम मैनेजमेंट लगभग इक्वल ही देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ लोग जिनके पास Realme X50 Pro है ये कह रहे हैं कि Realme X50 Pro के रैम मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और फ़ोन टू फ़ोन भी वेरी करता है। हो सकता है आपके पास अगर डिफेक्टेड पीस चला जाए Realme X50 Pro का, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको मिल जाए, या फिर हो सकता है अपडेट की वजह से भी ऐसा चीज़ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी की और बैटरी लाइफ की, तो लगभग इक्वल ही देखने को मिलेगी बैटरी लाइफ और बैटरी, क्योंकि आपको 4200 mAh की बैटरी मिलती है Realme X50 Pro में, और Realme X7 Max की आपको बैटरी मिलती है 4500 mAh की। लगभग पूरा दिन आप यूज़ कर सकते हो दोनों ही फ़ोन्स को। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको लगभग सिमिलर सी ही बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे अब हो सकता है क्योंकि बैटरी लाइफ थोड़ी सी बैटरी आपको ज़्यादा मिलती ही है Realme X7 Max में। यहाँ पर अगर आप चार्जिंग देखोगे तो 65 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है Realme X50 Pro, और
50 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है रियलमी X7 मैक्स। तो ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का आपको चार्जिंग टाइम देखने को मिल जाएगा डिफरेंस। बाकी यहाँ पर अगर आप बैटरी लाइफ देखोगे तो लगभग एक दिन का बैटरी लाइफ आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वाईफाई 6 सपोर्ट करता है रियलमी X7 मैक्स, और रियलमी X50 प्रो पुराना फ़ोन है तो इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स की कूलिंग टेक्नोलॉजी की, तो आपको वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है रियलमी X7 मैक्स में, और रियलमी X50 प्रो में भी ऐसी ही आपको कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो लगभग सिमिलर सी ही कैमरा स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया कैमरा सेटअप आपको मिलता है रियलमी X50 प्रो का। बाकी आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगी, डिसेंट सी फोटोग्राफी अगर करनी है आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगी, उतनी अच्छी खास फोटोग्राफी आपको दोनों ही फ़ोन्स में नहीं मिलेगी। बाकी सेल्फी के मामले में थोड़ा सा अच्छा आपको रियलमी X50 प्रो में एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स की UI की, तो UI भी आपको दोनों ही फ़ोन्स में सेम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि रियलमी के फ़ोन्स हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर अगर आप नया पुराना देखोगे तो रियलमी X7 मैक्स में जो नया फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है तो मैक्सिमम अपडेट्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा अगर आप कंपेयर करते हो रियलमी X50 प्रो से। बाकी अगर मैं चिपसेट की बात करूँ तो चिपसेट दोनों ही फ़ोन्स में आपको 5G चिपसेट देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि रियलमी X7 मैक्स में आपको मिलता है मीडियाटेक का डोमेस्टिक 1200 प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड 3 GHz के अप्रॉक्स, और रियलमी X50 प्रो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 865 काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए गेमिंग फ़ोन अगर चाहिए तो डेफिनेटली 25,000 के अंदर रियलमी X50 प्रो से बढ़िया आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर अगर मैं दोनों फ़ोन्स के चिपसेट को कंपेयर करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हर मामले में आपको विनर जो निकल के आता है चिपसेट वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 865। प्रोसेसर सेम है, UI भी सेम है दोनों ही फ़ोन्स में, मतलब प्रोसेसर तो सेम नहीं है, UI सेम है और सॉफ्टवेयर भी सेम है, तो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी मिलेगी स्मूथनेस के साथ में वो मिलेगी रियलमी X50 प्रो में, लेकिन X7 मैक्स नया फ़ोन है और इसमें जो टच वगैरह है ये भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। नॉर्मल अगर आप कर सकते हो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो रियलमी X50 प्रो से तो यहाँ पर रियलमी X50 प्रो मेरे हिसाब से विनर निकल के आ जाता है। तो अगर आप 25,000 के आसपास देखना चाहते हो, मैं बात कर रहा हूँ सेल के दिनों में अगर आप फ़ोन लेते हो तो 25,000 के आसपास दोनों ही फ़ोन्स के बीच में अगर आप विनर देखोगे तो रियलमी X50 प्रो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बढ़िया फ़ोन रहेगा। तो शुरू ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से रोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।